अरे अरे जल्दी करके वो आना जाए। अरे तुझे बोला जल्दी कर। हाँ भाई टायर को पंचर लगा दिया। अरे नहीं जनाब, आपकी गाड़ी के टायर को पंचर नहीं लग सकता क्योंकि वो फट चुका है। क्या फट चुका है? जी जी जनाब, ये देखे। अरे मेरा टायर तो सिर्फ पंचर था, ये फट कैसे गया? जनाब मुझे लगता है किसी तेज धार चीज ने आपके टायर को काटा है। आप परेशान ना हो, हम आपको नया टायर दे देते हैं। अरे मैं तो समझ रहा था मेरी गाड़ी का टायर पंचर है। अच्छा खैर छोड़ो, नया टायर डाल दो। अरे जनाब पहले आपका टायर किसी नाकिस कंपनी का लगा हुआ था, लेकिन आप परेशान ना हो, हम आपको अच्छी कंपनी का टायर देंगे। हाँ तुझे कहा था ना कि ये मुर्गा आसानी से फंस जाएगा। अरे यार देख, मुझे तो बहुत डर लग रहा है कहीं हम पकड़े ना जाएं। अरे यार तू परेशान ना हो, तू एक काम कर, उसकी गाड़ी से टायर निकाला है ना वो मुझे दे, उसी की गाड़ी का टायर उसी को बेच देंगे। अरे यार मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, तुमने मुझसे ये पुराना टायर क्यों मंगवाया है? अरे देख यार, ये टायर वैसे भी पुराना है, इसको कबाड़ में देना है। ये टायर इस पे लगा के इसको काट देंगे और जब इस गाड़ी का मालिक आएगा उसको बताएंगे तुम्हारी गाड़ी का टायर बिल्कुल फारिग है, इसकी जगह नया टायर डलवा दे, और उसकी गाड़ी का निकाला हुआ टायर हम अपनी दुकान में रख देंगे, और जब मालिक आएगा और बोलेगा टायर चेंज करो तो हम उसी का टायर उठा के उसकी गाड़ी में लगा देंगे और फ्री के पैसे कमा लेंगे। अरे यार अगर उसने अपनी गाड़ी का टायर पहचान लिया तो हम पकड़े जाएंगे, मैं तो कहता हूँ ये काम नहीं करते। अरे यार एक तो तू मेरा दिमाग बहुत खराब करता है, तू एक काम कर उसी की गाड़ी का टायर मुझे दे, बाकी सारा मेरे पे छोड़ दे। अरे जनाब ये देखें, ये टायर है थोड़ा इस्तेमाल में लेकिन है बिल्कुल नया, और ये हम आपको कम कीमत में दे देंगे। अरे भाई मैं तो बड़ा परेशान हूँ, मेरी गाड़ी का टायर फट कैसे गया? अरे जनाब इस बात को छोड़ें, नया टायर 50,000 में मिलता है और हम ये थोड़ा सा इस्तेमाल हुआ टायर आपको 20,000 रुपए में दे देंगे। अच्छा ठीक है, गाड़ी का टायर तब्दील कर दो। ले जनाब आपकी गाड़ी का टायर चेंज हो गया और आपके 20,000 रुपए हो गए हैं। अच्छा ये लो ये 20,000। हाँ जी जी जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। अरे देख मिला, तूने टायर का उसको चूना लगाया यह बात तो मेरी समझ में आ रही है, लेकिन तूने मुझसे जो ये काम करवा दिया ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। अरे देख यार अमीर पार्टी लग रही है, उसको 20,000 टायर का देते हुए मसला नहीं हुआ, उस काम का 30,000 देते हुए उसको क्या मसला हो सकता है? अरे देख यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है, तू ऐसा कर तू इसको जाकर संभाल, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। अरे इसे अब क्या मसला हो गया, स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? अरे जनाब सब ठीक तो है ना, अब क्या हुआ इसको? अरे यार गाड़ी सलफ नहीं उठा रही, न जाने क्या मसला हो गया इसको। अरे जनाब मुझे लगता है आपकी गाड़ी के सलफ का मसला हो गया है, इसको भी ठीक करना पड़ेगा, लेकिन आप परेशान ना हो, मैं ये काम भी जानता हूँ, थोड़े से पैसों में कर दूंगा। अरे आज का दिन ही मनुष्य है, अच्छा तुम इसे ठीक करो और ये बताओ कि आसपास कोई होटल है? जी जी जनाब ये सामने ही होटल है, आप जाके कुछ खा पी ले, वैसे भी रात हो चुकी है, तब तक मैं इसको ठीक करता हूँ। हाँ यार क्या हुआ, पैसे देने के लिए तैयार हुआ या नहीं? अरे यार पैसे देने के लिए क्यों नहीं तैयार होता, तू जा पीछे से कपड़ा निकाल, तब तक मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। जनाब ये जो बाहर वाला कैमरा है इसकी फोटेज देख सकता हूँ मैं? अरे नहीं जनाब, ऐसे में फोटेज दिखाना अलाव नहीं है।
अच्छा तो ये बात है, चलो मैं आपको फुटेज दिखा देता हूँ। ये पकड़, ये तेरा हिस्सा और ये मेरा हिस्सा। अगर ऐसे ही काम करते रहे ना तो एक दिन तुझे एक अलग दुकान बना के दूंगा। मेरा दिया हुआ 20,000 मुझे वापस दे रहे हो या मैं पुलिस को कॉल करूं? अरे जनाब कौन सा 20,000 रुपया, मैंने तो आपको नया टायर डाल के दिया है। बकवास बंद करो, मैं CCTV कैमरे में सब कुछ देख के आ रहा हूँ। मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, पुलिस को कॉल करनी ही पड़ेगी। अरे जनाब हमें माफ कर दे और प्लीज पुलिस को कॉल मत करें। ये आप अपने पैसे रख ले और आइंदा के बाद हम दोनों ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। ठीक है अब तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन आइंदा किसी राहगीर के साथ ऐसा काम किया तो फिर मैं तुम्हें देख लूंगा। दोस्तों हमारी वीडियो बनाने का सिर्फ ये मकसद होता है कि आप लोगों को बता सके कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। हमारी वीडियोस को अच्छे नज़रिए से देखा करें, ना कि बुरे नज़रिए से। अगर हमारा ये भी मैसेज अच्छा लगा तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।